नमस्कार, मैं आरती, आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर, एक नजर कोहराम झटपट। नॉर्थ सिक्किम में खाई में आर्मी का ट्रक गिरने से 16 फौजी शहीद, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख। कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग के बाद केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी, टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान देने की सलाह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बिशप फेलिक्स टोप्पो से की मुलाकात, दोनों ने एक दूसरे को दी क्रिसमस पर्व की बधाई। विधानसभा परिसर में पूर्व विधायक फुरकान अंसारी की कार का एक्सीडेंट, पहुंचे हॉस्पिटल। सीएम हेमंत सोरेन ने सहायक अभियंता सुरेश राम के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने का दिया आदेश, वित्तीय अनियमितता का है इल्जाम। गुमला में पिता से अवैध संबंध के शक में बेटे ने महिला को मारी गोली, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। रांची के दसम फॉल इलाके में नशेड़ी ने बाप को टांगी से काट डाला, शराब के लिए पैसे देने से पिता ने किया था इनकार। हजारीबाग के बरही में धधक उठा एसी लदा कंटेनर, गाड़ी छोड़कर फरार हो गया ड्राइवर। रांची के रामपुर में NH-33 पर तेज रफ्तार बस और बाइक में जोरदार टक्कर, दो युवकों की दर्दनाक मौत। रांची में क्रिसमस पर ठंड से बचाव के लिए होगा अलाव का जुगाड़, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने संबंधित पदाधिकारियों को दिया निर्देश। भारत सरकार ने दी नेजल वैक्सीन को मंजूरी, अभी प्राइवेट अस्पतालों में होगी उपलब्ध। कोविड को लेकर केंद्र और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच हुई बैठक, बन्ना गुप्ता बोले कोरोना से निपटने के लिए झारखंड पूरी तरह तैयार। दरभंगा में कांग्रेस नेता जियाउर रहमान उर्फ बब्बन का शव कब्र से निकाला गया बाहर, दोबारा हुआ पोस्टमार्टम। नहीं रहे साउथ के दिग्गज अभिनेता कैकला सत्यनारायण, 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कॉरपोरेट पावर के निदेशकों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की FIR, 4,000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला। समस्तीपुर सदर अस्पताल में बंदरों के आतंक से परेशान मरीज, महिला पेशेंट का मोबाइल और पैसा झपटकर भागा। राजस्थान के भीड़वाड़ा अजमेर हाईवे पर ट्रेलर में पीछे से टकराई कार, 4 युवकों की गई जान। सेंट्रल पेरिस के सेंट डेनिस मार्केट में फायरिंग में 2 लोगों की मौत, हमलावर धराया। शैम कुरेन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ में खरीदा, IPL इतिहास के बने सबसे महंगे प्लेयर। कोरोना को लेकर राज्य सरकारों को केंद्र का निर्देश, लागू करे स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।